नमस्कार सभी पेंशन धारकों को। जितने पेंशन धारक इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नवीन गुरु यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपके बीच में एक बार फिर से हरियाणा बुढ़ापा पेंशन को लेकर और फैमिली आईडी को लेकर एक बड़ी अपडेट मैं आपके बीच में लेकर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ। 27 अगस्त 2023 को बुढ़ापा पेंशन और फैमिली आईडी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। क्या बड़ी अपडेट है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, और साथ में ये भी जानने वाले हैं कि जो अगस्त महीने की पेंशन आने वाली है वो कब तक आएगी, और अगस्त महीने की पेंशन है वो कितनी आएगी, 3,000 रुपये पेंशन आएगी या 2,750 रुपये पेंशन आएगी। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी साथ में आपको बताने वाला हूँ। तो 27 अगस्त को बुढ़ापा पेंशन और फैमिली आईडी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप समय समय पर बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली पेंशन या किसी भी प्रकार की पेंशन या हरियाणा सरकार के द्वारा कोई भी स्कीम चलाई जाती है जैसे आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड या अन्य कोई स्कीम की जानकारी समय समय पर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के जान लेते हैं कि हरियाणा बुढ़ापा पेंशन और फैमिली आईडी को लेकर क्या बड़ी अपडेट है। सबसे पहले हम जानते हैं फैमिली आईडी लेकर क्या बड़ी अपडेट है। तो आपको पता होगा कि पहले जो कलर्क हड़ताल पर बैठे हुए थे उनकी वजह से जो फैमिली आईडी का काम है वो लगभग रुका हुआ था। तो अब क्या है, कलर्कों ने एक जो हड़ताल है वो बंद कर दी है और एक बार फिर से फैमिली आईडी का काम दोबारा से शुरू हो गया है। जैसे पहले फैमिली आईडी मेंबर है वो ऐड नहीं हो रहे थे, अब फैमिली आईडी में मेंबर ऐड करने का जो ऑप्शन है वो जोड़ दिया गया है। अपने जो नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर है वो अपनी फैमिली आईडी में जो मेंबर नहीं जुड़वा रखा है अपनी फैमिली आईडी में जो मेंबर है वो जुड़वा सकते हैं। साथ में आपको आधार कार्ड और उसका जो जन्म प्रमाण पत्र है, जब जैसे बच्चा है तो वो अपना जो मेंबर है वो ऐड करवा ली और मेंबर है वो जल्दी ऐड है वो हो जाएंगे। रिक्वेस्ट लगती है उनकी मेंबर ऐड होने की और आपकी जो मेंबर है वो ऐड हो जाएंगी। ऐड होने का ऑप्शन है हरियाणा सरकार के द्वारा एक बार फिर से पोर्टल पर दे दिया गया। बुढ़ापा पेंशन को लेकर क्या बड़ी अपडेट है, तो अब की बार जो पेंशन है वो जो अगले महीने के जो पहला हफ्ता आएगा उसके अंदर अंदर सभी की पेंशन वो डाल दी जाएगी, चाहे दिव्यांग पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, लाडली पेंशन है, चाहे किसी भी प्रकार की जो पेंशन है, नई पेंशनें बनी है वो भी आपकी जो अगले महीने के पहले हफ्ते में डाल दी जाएगी। और आपकी जो पेंशन है वो 2,750 रुपये देखने को मिलेगी। आपकी जो नवंबर और दिसंबर महीने में आपकी जो पेंशन है हो सकता है उसमें 250 रुपये और बढ़ोतरी की जाए, और आपकी जो पेंशन है नवंबर और दिसंबर महीने में हो सकता है कि आपको 3,000 रुपये पेंशन है वो देखने को मिल जाए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है फैमिली आईडी को लेकर और हरियाणा बुढ़ापा पेंशन को लेकर। आपकी पेंशन है जल्दी आपके खातों में आने वाली है। अपना जो स्टेटस है वो अगले हफ्ते में चेक करवा लें कि आपकी जो पेंशन है आपके खातों में कब तक डाली जाएगी। स्टेटस में तारीख भी आपको शो हो जाएगी आपकी पेंशन कब तक खातों में आएगी। जिनकी पेंशन रुकी हुई है वो भी अपना जो स्टेटस है वो चेक करवा लें। अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाना है, आपको एक आधार कार्ड लेकर जाना है और वहाँ पर कहना है कि मेरी जो पेंशन है उसका स्टेटस चेक करिए, मेरी पेंशन है इतने महीने से नहीं आ रही है। तो वो सीएससी सेंटर संचालक है वो आपको बता देगा कि आपकी जो पेंशन है इतने महीने से नहीं आ रही है। आप अपने जो समाज कल्याण विभाग है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी दे दिया जो समाज कल्याण विभाग है, आप उससे है वो बात कर सकते हैं, वो आपकी समस्या का हल करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो ये पूरी अपडेट थी। तो चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। ऐसी जानकारी समय समय पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।